अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कुशीनगर में एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर गुरुवार सुबह हुए दर्दनाक हादसे में 13 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद सीएम योगी कुशीनगर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने सीएम के सामने रेलवे ट्रैक पर जाम लगा दिया और रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की, जिसके चलते सीएम योगी ने बोनट पर चढ़कर लोगों को शांत रहने की अपील की। समय ये की नारेबाजी और नेतागिरी करने की बजाय समस्या के समाधान की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो अच्छा होगा। आप सब एक बार थोड़ा रास्ता दे दें अच्छा होगा। यहाँ पर हम लोग इसके अलावा सीएम योगी ने माना कि हादसे की सबसे बड़ी वजह ड्राइवर की लापरवाही है, जिसने कानों में ईयरफोन लगाया हुआ था। जो भी इसके मामले में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई प्रदेश सरकार भी करेगी और मैं रेल मंत्रालय से भी इस बारे में अनुरोध करूंगा। हाँ, जो भी है इन सब की जांच हो रही है और हाँ, ईयरफोन लगाने की बात सामने आई है, क्षमता से अधिक बच्चे वैन में भरने की बात आई है और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। जो भी चीज़ें सामने आएंगी कमिश्नर शाम तक अपनी रिपोर्ट देंगे और कठोरतम कार्रवाई होगी। इससे पहले गोरखपुर के जिलाधिकारी विजेंद्र पांडियन भी घायलों से मिलने पहुंचे थे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट।